नमस्कार दर्शकों, रितम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 12 मार्च 2024, दिन है मंगलवार। विक्रम संवत है 2080, शक संवत है 1945, संवत्सर है पिंगल, सूर्य है उत्तरायण, ऋतु है वसंत, मास है फाल्गुन और पक्ष है शुक्ल और तिथि है द्वितीय और द्वितीया तिथि समाप्त हो रही है 7:12 AM पर। मतलब आज का दिन द्वितीया माना जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तो द्वितीया है लेकिन कल तृतीया नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि 7:12 पर गणना के हिसाब से, चंद्रमा की गति की गणना के हिसाब से तृतीया लग जाएगी और तृतीया कल सूर्योदय पर नहीं पहुंचेगी। मतलब 4:03 प्रातः के समय पर तृतीया पूर्ण हो जाएगी। मतलब आज का दिन तृतीया हुई, सुबह रात्रि तक तृतीया रही और सुबह कल सुबह भोर में ही 4:03 AM पर तृतीया पूर्ण हो गई। उसके बाद चतुर्थी लगेगी। अब चतुर्थी लगते ही सूर्योदय के समय पर चतुर्थी लगी रहेगी तो कल का दिन चतुर्थी उदया तिथि के हिसाब से माना जाएगा। उदया तिथि के हिसाब से आज द्वितीया रहेगी और इस तरह से कल उदया तिथि तृतीया के बजाय चतुर्थी रहेगी। तो इस तरह से तृतीया तिथि का 6 माना जाएगा। मतलब तृतीया तिथि 6 हो गया, नहीं हुई, इस तरह से माना जाता है। तो आपको मैंने समझाया कि इस तरह से तृतीया तिथि 6 हो रही है। तो अब देखा जाए राहु काल है 3:29 PM से लेकर के 4:58 PM तक। तो ये रहा आज के दिन का हाल। आइए सभी राशियों का क्या हाल है देखा जाए। मेष राशि वालों को जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि ऐसे समय में आपको कुछ सुख प्राप्ति के चांसेस कम ही दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि थोड़ी उलझन परेशानी दिख रही है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन दिख रहा है, वो अभी भी दिख रहा है। आप उलझे हुए भी दिख रहे हैं और आप सुख की परेशानी भी दिख रही है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा हो कि आपने कुछ कह दिया, गलत कह दिया, व्यवहार खराब कर दिया जिसकी वजह से आपको ज़्यादा परेशानी हो और आपको सुख नहीं मिल पाया। तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरत के चले। या तो आपकी वजह से भी सुख नहीं मिल पाएगा या आपको सुख मिलने में दिक्कत आएगी। आज के दिन किसी भी कारण से आपको सुख मिलने के चांसेस बिगड़ सकते हैं। तो आज के दिन बहुत सावधान रह करके सही तरीके से चलने की है के लिए है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा यदि आप सद्व्यवहार करते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए और अच्छे तरीके से निर्णय लेकर के चले तो अच्छा रहेगा। किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना है, बेशक आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर जाए लेकिन फिर भी अच्छा व्यवहार करना है। नहीं तो आपको पता ही है कि समय खराब है, उसका परिणाम बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। आज के दिन के लिए, अपने आप को सुकून में रखने के लिए, शांति में रखने के लिए आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप पीला रंग और लाल रंग का उपयोग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी शुभदायी रहेगा और लाभदायी भी रहेगा। आइए दर्शकों, अब देखते हैं वृषभ राशि वालों का क्या हाल रहेगा। वृषभ राशि वालों का जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है, इस समय पर आपके मन में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ प्रोडक्टिव चल रहा है और अच्छे तरीके से। लेकिन सिर्फ ये है कि आज आप कंफ्यूज भी हैं और आप किसी से बात करेंगे तो सही तरीके से बात कर नहीं पाएंगे, ऐसा दिख रहा है। मतलब आपकी ऊर्जा जो है काफ़ी उलझी हुई, काफ़ी इम्बैलेंस दिख रही है। ऐसे समय में आप कोई निर्णय भी मत लीजिए और किसी से कुछ कहिए या बात भी मत कीजिए, कोई डिस्कशन भी मत कीजिए, कोई मीटिंग भी मत बुलाइए क्योंकि सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। थोड़ी शांति से, थोड़ा पेशेंस से काम करें तो अच्छा रहेगा। जो कुछ पहले से चल रहा है उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, उसको कैसे मदद की जा सकती है, उस कार्य को कैसे किया जाए, उसी पे आप लगे रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ नया ना करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आज के दिन के लिए अपने आप को संतुलित रखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप लाल रंग और नीला रंग का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आए दर्शकों, अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप के मन में कुछ परेशानी, कुछ स्वास्थ्य में परेशानी और कुछ धन की प्राप्ति में भी कुछ कंफ्यूजन रहेगा। मतलब जिसने भी आपको धन देना है, जो भी आपको धन की प्राप्ति होगी उसमें कुछ मतभेद होगा या कुछ उलझन होगी जिसकी वजह से पूरी तरह से धन की प्राप्ति नहीं हो पाए या डिले हो सकती है। तो इसलिए आप अगर कन्फ्यूजन दूर कर देंगे शांतिपूर्वक, बहुत धैर्य से, तो काफ़ी अच्छा रहेगा और कन्फ्यूजन्स क्लियर होती है, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, मतलब साथ में कुछ कन्फ्यूजन लगा हुआ है तो कन्फ्यूजन को दूर कर लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आज के दिन के लिए आपके लिए जो अच्छा रहेगा वो पीला रंग और साथ में गुलाबी रंग आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा और साथ में सफ़ेद रंग भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों का कार्य क्षेत्र में तो बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन खुद को, मतलब पर्सनली परेशानी होने का बन रहा है। खुद उलझे होंगे, काफ़ी परेशान होंगे, ऐसा होने का दिख रहा है। ऐसे में क्या करें, ऐसे में खुद को संभालें जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में इस तरह की कॉम्प्लिकेशन न क्रिएट करें। हो सकता है कि आप परेशान हो, काफ़ी डिस्टर्ब हो, इसकी वजह से आप सही तरीके से कमांड न कर पाए।
तो इसलिए अपने आप को संभालें, अपने आप को धैर्यपूर्वक संभालें तो अच्छा रहेगा। आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर ज़्यादा दिक्कत लगे तो अपने पार्टनर के साथ, अपने साझेदारों से बात करके उनको, उनके साथ मिल करके कोई जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करें तो अच्छा रहेगा, जिससे आप सही तरीके से परफॉर्मेंस आपका अच्छा हो पाएगा। आज आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह उठ करके आप महामंत्र का जाप करके ही निकले तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना सारे दिन आपको परेशानी चिड़चिड़ापन रहेगा ही। आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो रंग रहेगा, पीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा और लाल रंग दोनों बहुत शुभ रहेगा। आइए दर्शकों, आप देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपको किसी तरह की उलझन होगी, परेशानी होगी नहीं दिख रहा है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको आदित्य हृदय सोत्रम का पाठ तो अवश्य ही करना है। यदि आप ऐसा कर लें तो आपके अंदर बहुत सुकून आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को सही तरीके से मन लगा के कर पाएंगे। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा मैं तो कर ही लूंगा, मैं हो जाएगा, अरे ये तो बहुत आसान काम है, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में आप उस कार्य को अधूरा छोड़ देंगे, इतने ही से डिफरेंस होएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि ठीक तरीके से पूरा कर दें, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आप गड़बड़ा ना दें, तो आप सूर्य भगवान की आराधना सुबह सुबह कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपने कार्य पर ध्यान दें तो बहुत अच्छे से होगा। बार बार कह रहा हूँ कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको आदर मान देते हैं उनसे अगर आप आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आपसे कोई गलती हुई, भूल चुके हैं, तो उससे क्षमा अवश्य मांग लें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में आज का दिन तो बहुत अच्छा जा सकता है, ऐसा होने का बनता है। आज आपके दिन के लिए अच्छा रहेगा, अगर आप हरा और पीला रंग का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। आइए दर्शकों, आप देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके मन में कुछ शांति तो आ रही है लेकिन पूरी शांति नहीं आ रही, उलझन बरकरार है। तो इस उलझन में आप इतने परेशान हैं कि आपको क्रोध भी आता है और आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको ऐसा लगने लगा है कि जैसे समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि आप इन उलझनों में ना पड़ें और सुबह सुबह उठ करके दो कार्य अवश्य करें जो मैंने आपको बार बार बोला है। एक तो आदित्य हृदय सोत्रम का पाठ अवश्य करें, दूसरा आप महामंत्र का जाप अवश्य करें। यदि आपके पास समय है और समय निकाल सकते हैं तो मेरे विचार से तो आप 108 माला कर लिया कीजिए और प्याज लहसुन का त्याग करके सात्विक तरीके से करें तो आपके जो उलझनें लगातार चलती जा रही हैं वो समस्याएं काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी और काफ़ी हद तक आप बैलेंस होकर के आप बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। जिस आप अच्छा महसूस करेंगे, आपके मन में कोई परेशानी नहीं रहेगी, तो आप कोई भी कार्य करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। इस वजह से ही मैंने आपको ऐसा सलाह दिया है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप पीला रंग और हरा रंग का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। आइए दर्शकों, आप देखते हैं तुला राशि वालों का क्या हाल है। तुला राशि वालों को जो दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आज काफ़ी हद तक आपके मन में शांति दिख रही है और काफ़ी हद तक आप बेटर परफॉर्मेंस करने वाले हैं, क्योंकि आपका मेंटल पावर बहुत अच्छा दिख रहा है, आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है, आप में योग्यता सामर्थ्य बहुत अच्छा दिख रहा है। बस आप एक्शन मोड में आ जाएं और कर डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए आज का दिन लाल रंग और सफ़ेद रंग काफ़ी शुभ रहेगा, जो आपको लाभदायी रहेगा और प्रोडक्टिव एनर्जी देगा, जिससे आप कुछ कार्य को, जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को सही तरीके से करके सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आइए दर्शकों, आप देखते हैं वृश्चिक राशि वालों का क्या हाल है। वृश्चिक राशि वालों का जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके मन में कई तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और कई तरह से आप महसूस कर रहे हैं कि आपके बड़े बुजुर्ग सीनियर्स आपके फेवर में सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे, मतलब सपोर्टिव नहीं है और अपने आपको बड़ा आइसोलेटेड, बड़ा अकेला और बहुत चिड़चिड़ापन से महसूस कर रहे हैं। ऐसे में आपको दो सलाह मैंने दिया है, उस सलाह को आप जरूर पालन करें। नंबर वन, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें सुबह सुबह, और दूसरा है आप महामंत्र का जाप अवश्य करें। यदि आप समय है तो आपके पास, तो आज काफ़ी हद तक ज़्यादा जितनी माला कर सके उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। इससे आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और मन में जो एक विश्वास, नेगेटिविटी पे विश्वास आ रहा है कि नेगेटिव तो है ही, तो वो गलत साबित हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि नहीं इतना बुरा नहीं है, समय ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे। इस तरह से पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे और आप सही तरीके से दिन का सदुपयोग कर भी पाएंगे। तो इस तरह से आप दिन को संभाल के अगर प्रयोग करें, सदुपयोग करें, तो आप अच्छे तरीके से दिन का लाभ उठा पाएंगे। आइए दर्शकों, आप देखते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें आपके मन में बड़े अच्छे पवित्र और बड़े अच्छे विचार आएंगे। तो ऐसे समय में आप अपने विचार पर विश्वास रखें, क्योंकि आपका विचार काफ़ी अच्छा दिख रहा है और गहराई से सोच समझ करके पवित्र और अच्छे धार्मिक विचार आ रहे हैं। अगर आप इन पे चलेंगे तो आपके अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटी जो पहले से कुछ एक्युमुलेट हो गई थी, इकट्ठा हो गई थी, उन सबको आप निकाल सकते हैं और फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं अपनी एनर्जी को। तो इस तरह से आप चलने की कोशिश करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। आज के दिन के लिए आपको पीला, हरा और गुलाबी या लाल रंग
का कॉम्बिनेशन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इससे आपको आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, और कौन सी ऊर्जा? पॉजिटिव ऊर्जा, क्योंकि आज पॉजिटिव एनर्जी ही गेन कर रहे हैं, पॉजिटिव है भी, तो ये आपकी ऊर्जा को और बढ़ा देगा और पॉजिटिव आप हो जाएंगे और शांतिपूर्वक सही निर्णय लेकर के अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे। इस तरीके का होने का योग बन रहा है। आइए दर्शकों, आप देखते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ इतना बढ़िया दिख रहा है जिसमें आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कर पाएंगे और सही तरीके से सफलता प्राप्त कर पाएंगे और सीधे रास्ते से हो पाएगा। मतलब कोई उलझन, कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है जिसमें कि आपको कि वो कोई जुगाड़ करना पड़ेगा या तिकड़म बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो कार्य करना चाहेंगे यदि आप मानसिक तौर पर चाह रहे तो होने लगेगा। इस तरीके का शुभ योग दिख रहा है, इसलिए कोशिश करें कि आज परेशान होने के बजाय आप प्लानिंग ठीक से जो भी कर रखे हैं या आप करना चाहते हैं तो करें, और जो भी कर रखे हैं उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो आप बहुत अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे और लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह का शुभ योग दिखता है। आज के दिन के लिए पीला रंग, सफ़ेद रंग और लाल रंग या गुलाबी रंग आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इन सब का कॉम्बिनेशन अगर आप धारण करते हैं बहुत बढ़िया से आप लाभ ले पाएंगे और इनका सदुपयोग कर पाएंगे। आए दर्शकों, आप देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें आपके स्वयं के निर्णय से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने का योग बन रहा है। आप कुछ अच्छे तरीके से बात करके कुछ डील कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर इतनी क्षमता, इतनी काबिलियत, इतना सामर्थ्य दिख रहा है कि आप किसी के साथ जो भी बात करेंगे वो बात मान जाएगा और आपकी बात बन जाएगी। इस तरीके का योग बन रहा है और लाभकारी बात भी होगी। तो आज के दिन अगर आप मीटिंग रखना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, कभी नए क्लाइंट से मिलना चाहते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, तो अवश्य लीजिए। आज का दिन लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बन रहा है, और आप विश्वास के साथ लीजिए। आज का दिन अगर आप पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि पीला रंग, सफ़ेद रंग, लाल रंग, इनका कॉम्बिनेशन धारण करें, जिससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल पाएगा और सही तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। आइए दर्शकों, आप देखते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपको बहुत अच्छे विचार आएंगे और आपके मन में काफ़ी शांति, सुकून आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से परमात्मा पर विश्वास भी बनता जाएगा। हालांकि सिचुएशन आपकी बुरी तरह से अच्छी हो गई है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में अच्छा होगा ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे अच्छे अच्छे विचार के साथ, अच्छे मन के साथ आप जो भी कार्य करेंगे वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आज के दिन का जिनको बर्बाद ना करें, आज के दिन का सदुपयोग करें, जो भी कार्य कर सकते हैं वो करें जिससे आप आज के दिन का लाभ ले पाएं। और इस तरह से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी अच्छा परिवर्तन होगा, काफ़ी अच्छा परिवर्तन होगा, और इस तरह से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आज कोशिश करें कि आज अच्छा दिन होने के बाद भी आज महामंत्र अवश्य करें। क्यों करें? अभी तक तो आप समस्या के लिए आपको कहते थे, लेकिन अभी आपके मन में अच्छा विचार आ रहा है, सब पॉजिटिव है। आज आप अच्छे मन से कर लीजिए, शुभता से कर लीजिए, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी और गेन कर लीजिए, जैसे आगे कोई बुरा टाइम आता है तो उसमें पे भी आपके अंदर इतनी ऊर्जा रहे पॉजिटिव कि आप समय का मुकाबला कर पाए। तो इस तरह से आप जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप सफल हो पाएंगे और आज के दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। आपके लिए पीला रंग, सफ़ेद रंग, गुलाबी रंग और लाल रंग काफ़ी शुभ है। तो ये रहा दर्शकों आज का दिन का हाल। उम्मीद करते हैं आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं कल का हाल बताने के लिए। नमस्कार।